जांजगीर चांपा के जिला जांजगीर नैला नगर पालिका में शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। घोटाला सामने आने पर कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और जवाब संतोषजनक ना मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शौचालय निर्माण में घोटाला, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, कई अधिकारियों से मांगा गया जवाब। जांजगीर चांपा में शौचालय निर्माण में करोड़ों के बंदरबांट का मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले को साल 2018 में ODF घोषित किया गया था, लेकिन ODF करने के लिए नगर पालिका के अधिकारियों ने बड़ा खेल कर दिया। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2015 से 2018 में शासन ने जांजगीर नैला नगर पालिका को 2,442 शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसके लिए 3,76,00,000 रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन ठेकेदारों ने नगर पालिका के अधिकारियों की मिली भगत से लक्ष्य से ज्यादा शौचालयों का निर्माण दिखाया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने ज्यादा शौचालय बनाकर 6,00,00,000 रुपए अलग अलग मदों से निकाल लिए। मामले का खुलासा होने के बाद डूडा के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर ने दोषी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नगर पालिका के 4 CMO, 4 लेखा अधिकारी, 4 उप अभियंता और 8 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही जवाब संतोषजनक न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शासन से 3,76,00,000 रुपये प्राप्त हुआ और नगर पालिका के द्वारा 6,54,00,000 रुपये खर्च कर दिया गया है। इस प्रकार आवंटन से प्राप्त राशि के विरुद्ध 2,16,00,000 रुपये अधिक खर्च कर दिया गया। किस मत की राशि थी, किसके आदेश से खर्च कर दिया गया, ये भी एक बड़ी आपत्तिजनक विषय है। सर्व संबंधित अधिकारी कर्मचारी, जिसमें 4 सब इंजीनियर, 4 CMO, 4 अकाउंटेंट लोगों को नोटिस जारी की जा रही है और 9 ठेकेदारों को भी नोटिस जारी की जा रही है। सुनवाई के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में नगर पालिका के CMO ने शौचालय निर्माण में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ कि नहीं, इस संबंध में तत्कालीन अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। देखिए, ये नस्तियाँ जो हैं जाँच के लिए डूडा कार्यालय में, डूडा PO के पास हैं अभी। जब तक पूर्ण नस्ती में नहीं देख लूँगा तब तक मैं ये कह पाऊँगा कहना मिले मुनासिब नहीं होगा क्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि शासन से जो राशि प्राप्त हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में व्यय जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो अपने आप में एक देखने वाली विषय होगी। जैसी जांच रिपोर्ट आ जाएगा हम आपको उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दें। खुले में शौच पर रोक लगाने के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। देखना होगा कि मामले के सामने आने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। जांजगीर चांपा से संजय यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।